जात पंथ धर्म भाषा सेक्स के आधार पर कोई राजनीति हम नहीं करते। लाखों लोगों को किसी का हार्ट का ऑपरेशन कर दिया, किसी को पैर लगा के दिए, किसी के कैटरॉक्ट के ऑपरेशन किए, कभी हमने ये नहीं पूछा तुम्हारी जात क्या है। जो भी गरीब आता है उसकी सेवा करना यही काम किया है, और इसलिए हमने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की। मुझे मालूम है कि कुछ लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, लोगों के मन में जहर बनाते हैं। बाबा साहब का संविधान हम बदलने वाले करके झूठा प्रचार लोकसभा में किया गया कि इनको 400 जगह मिलेगी तो बाबा साहब का संविधान बदलेंगे। हमने ना संविधान बदला ना बदलने वाले हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाई तो कांग्रेस पार्टी ने उड़ाई, और इमरजेंसी के समय अनेक बार घटना को तोड़ने का काम अगर पाप किसी पार्टी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, और बदनाम हमको किया गया। मुसलमानों को कहा गया कि ये बीजेपी वाले खतरनाक है, ये चुनकर आएंगे तो आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे। कितने मुसलमानों के हार्ट के ऑपरेशन हमने करके दिए। ताजुद्दीन बाबा के ताजबाग का सौंदर्यीकरण हमने किया, ताजबाग की गुंडागर्दी हटाई। नरुल हसन करके डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, भी भंडारा के एसपी है। मैंने कहा अफू गांजा चरस जितने गलत धंधे करने वाले ठोको, उनको सबको अंदर करो। और हमारी मां बहनें चाहे मुस्लिम समाज की हो, रात को 12 बजे ताजबाग के रास्ते पर सुरक्षा के साथ घूमनी चाहिए, और जो भी गुंडा अड़ा आएगा उसको ठोको। और कोई अगर आपको बोलेगा तो मेरा नाम बताओ, मैं चिंता नहीं करूंगा। हमारी मां बहनों की इज्जत सुरक्षित रहनी चाहिए। बहनों और भाइयों, आज हमारे यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, हमारे यहां इतवारी का रेलवे स्टेशन अच्छा बन रहा है। उस स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम कृष्णा बहु के कारण दिया गया। आप याद करो शांति नगर में रेलवे क्रॉसिंग में वो ब्रिज नहीं था तो कैसी हालत थी, हा? लोग जल्दी भूल जाते, कैसी मजा आती थी ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद, 20-20 मिनट वहां रुकते थे, अब तो पता ही नहीं चलता। आज मैं धापेवाड़ा से निकला और 36 मिनट में यहां आया मोहन मते जी के कॉस्ट्यूम, 36 मिनट शारदा चौक सब पुल, और वाड़ी में पुल बना, 2 मिनट में नीचे उतर गया। ये शहर बदला हुआ है, एयरपोर्ट बन रहा है, अजनी का स्टेशन मेन स्टेशन बदल गया, मेट्रो आ गई। और मैं आपको बताने वाला हूं कि कृष्णा भाऊ के मांग के कारण अब पूर्व रागपुर के रिंग रोड पर एक मैं नई बस ला रहा हूं, नई बस देश में पहली बार। मैं जेकोस्लाविया गया था, स्कोडा कंपनी में गया, वहां की वो 135 सीटर की बस देखी। वहीं से मैंने टाटा कंपनी के एमडी को फोन किया वाक करके, मैंने कहा जेकोस्लाविया में स्कोडा कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करो। अब उनका ज्वाइंट वेंचर हो गया। ये एयर कंडीशन बस है, ये सीटों के ऊपर लैपटॉप लगेगा, और जैसे हवाई जहाज में एयर होस्टेस रहती है उस बस में एक बस होस्टेस होगी। चाय पानी नाश्ता आलू बोंडा सब मिलेगा, बस एयर कंडीशन होगी। और एक बस स्टॉप पर खड़ी होकर ऊपर से एक चार्जिंग सिस्टम है, फ्लैश चार्जिंग, वो बस के नीचे आएगी, आधा मिनट में बस चार्ज होगी, बस निकल जाएगी। और मैंने अपने डिपार्टमेंट से 170 करोड़ रुपए पायलट प्रोजेक्ट के लिए दिए हैं, और इसके बाद पूरे रिंग रोड पर 50 किलोमीटर के इस रिंग रोड पर ये इलेक्ट्रिक बस चलेगी एयर कंडीशन, और इसका किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। ये पूरे आपके रिंग रोड से चलेगी। अभी पार्डी का ये ब्रिज मैं नहीं कर रहा था, आपको मालूम है मैं सच बोलने वाला हूं। एक कृष्णा भाव आए मेरे पास, इधर ब्रिज घुसाओ, उधर ब्रिज घुसाओ, इधर घुसाओ,
मैंने बोला कहाँ कहाँ घुसाओ। मैंने बोला तुमको मालूम है क्या कीमत कितनी बढ़ती है? नहीं, कराला पाइज वायलाज पाइज। क्या वायला पाइजे? मतलब 1200 करोड़ जमते बने थे, तू भी मंटला का होते। 1200 करोड़ रुपए का ब्रिज बनाया है। आप पारडी में एक्सीडेंट हो रहे थे, हमारे पांडुरंगी बैठे, इनके घर में हादसा हुआ, मैं गया था मिलने के लिए, बहुत मुझे दुख हुआ और मैंने तय किया कि नहीं, अब अपने को ब्रिज बनाना है। 1200 करोड़ रुपए का ब्रिज बना सर, मैंने एनएचआई के पैसे से बनाया और ब्रिज के एक एक पिलर पर तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, गुलाब बाबा, गजानन महाराज, गाड़गे महाराज, सब विदर्भ के संतों के फोटो लगकर एक बाहर पिलर पर उसका चित्रण करने वाले तुकलोजी महाराज। आज पारडी में कैसी थी स्मार्ट सिटी, कैसी बनी, गए कभी आप देखने के लिए? मैं जब अनधिकृत लेआउट में भांडेवाड़ी में गया, हर जगह कॉन्क्रीट रोड, हर जगह सीमेंट कॉन्क्रीट के ब्लॉक। मैंने कृष्णाबाव के पीठ पर हाथ रखा, यार मान गए तुमको, बहुत अच्छा काम हुआ, 24 घंटे पानी मिल रहा है, रोड अच्छे बन रहे हैं। ये पहले लाइट है, पहले कैसे लाइट थे, लुप लुप करते थे पीले रंग के, अब पूरा ऊपर से देखो तो पूरा नागपुर एकदम सफेद दिखता है। एलईडी लाइट है, स्टेशन अच्छे बने, मेट्रो अच्छी बनी। जरा एक काम करो कि 60 साल में कांग्रेस थे, उन्होंने क्या किया बताओ ना, इन नेताओं को पूछो तुमने क्या किया है। अंधेरी रात में दिया मेरे हाथ में। कुछ दिया क्या? चुनाव चिन्ह घंटा बजाओ। कुछ नहीं मिला। जो 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया वो 10-15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने और कृष्णा भाऊ ने करके दिखाया। अब 300 बेड का हॉस्पिटल बनाया। मेरे चुनाव में मैं जब वहां से गया था भांडेवाड़ी से रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर से जो पार्टी में रोड आता है उसके बाजू में मुझे बिल्डिंग बताई, 300 बेड का हॉस्पिटल बना। मेडिकल कॉलेज पर 1000 करोड़ रुपए खर्चा हो रहे हैं, मेओ के ऊपर 1200 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है, एम्स की शुरुआत हुई, आईएम की शुरुआत हुई, और इतना ही नहीं तो मिहान में 87,087,000 लड़कों को काम मिला, बेरोजगारों को काम मिला, नौकरी मिली है। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि ये सब काम हुआ है ये मेरे कारण नहीं हुआ, ये काम कृष्णा भाऊ के कारण में नहीं हुआ है, ये काम अगर हुआ है तो ये मेरे सामने बैठी हुई नागपुर की जनता के कारण हुआ है। आपका प्रेम है, आपने मुझे लगातार लोकसभा में चुनकर दिया, कृष्णा भाऊ को विधानसभा में चुनकर दिया, केवल कमल की बटन दबाई, ऐसा करंट हम दोनों में लगा कि हमने ब्याज से ही तुम्हारा पूरा कर्जा वापस किया। और अभी जो काम हुआ है वो तो ट्रेलर है, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। 350 खेलने के मैदान तैयार करने हैं, 500 बगीचे तैयार करने हैं। अभी पूर्व नागपुर में शहीद चौक वाला रोड 4 लेन कंक्रीट का बन रहा है, केड़ीबाग रोड जैसा, और वहीं गंगाराम जी की वो बिल्डिंग है, वहां 7 मार्केट बन रहे हैं, पारडी में मार्केट बन रहा है, मटन मार्केट, मच्छी मार्केट, ये रोड पर मत खाओ, सब मछले उसे मक्खियां लगती है और पूरे घर में जाके तबीयत बिगड़ती है। सब्जी का मार्केट हो, मटन मच्छी का मार्केट हो, एयर कंडीशन, हम लोगों को सुविधाएं देना चाहते हैं, हमारी जनता को समाधान देना चाहते हैं, उनका कल्याण करना चाहते हैं। हमने कभी यह नहीं सोचा कि हमारे बेटों को, बेटियों को, पत्नियों को, चमचों को, ड्राइवर को कैसे टिकट मिले। अगर हम खड़े हैं तो आप जैसी जनता के कारण।
हम खड़े हैं तो कार्यकर्ताओं के कारण। और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बताने लायक मेरे पास बहुत कुछ है। पूर्व नागपुर में अगर पूरे काम बताऊंगा तो 2 घंटे लगेंगे। मेरी इच्छा है कि पूर्व नागपुर में कम से कम 50 खेल के मैदान बने, 5 से 6 स्विमिंग टैंक बने, ताकि बच्चे अच्छी तरह खेल सके। यहां हमारे यहां सुरेश भट्ट सभागुरु हुआ, पूर्व नागपुर को लगकर ही है सांस्कृतिक मौत। आप लोग आते हैं, कितने 50,000 लोग रोज आते हैं। क्रीड़ा महोत्सव होता है, 70,000 खिलाड़ी आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं। हमने तो ज्येष्ठ नागरिकों के मंडल खोलकर अभी इलेक्ट्रिक की 8 बसेस ला रहे कि नागपुर से शेगांव फुकट, नागपुर से रामटेक खिड़सी फुकट, नागपुर से माहूर फुकट, नागपुर से आदासा धापेवाड़ा फुकट, अब नागपुर से बेड़ाघाट जबलपुर फुकट। केवल 60 साल के ऊपर में चाहिए, जवान लड़के और महिला आएंगी तो उनको फुकट में सर्विस अवेलेबल नहीं। दिव्यांग हो तो ले जाएंगे। दिव्यांगों के लिए देश का सबसे अच्छा पार्क बनाया हमने पूर्व नागपुर सूर्यनगर में, वो भी कृष्णा भाऊ के कारण बना। और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आपकी सेवा करने के लिए और विकास के कार्य को गति देने के लिए हमने कभी जातीयवाद, जात पंथ धर्म भाषा सेक्स इसका उपयोग नहीं किया। हमने यही सोचा कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और मैं तो खुलेआम कहता हूं कि पूरे नागपुर की जनता मेरा परिवार है, मैं जनता का हूं और जनता मेरी है। और आगे ये भी कहता हूं, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। सब मेरे हैं।